नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी अपना कैलेंडर कब तक जारी करेगा और जो पुराने पेंडिंग रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया, अपनी परीक्षाएं तिथि भी बताई कि कब कौन सी परीक्षा होनी है। स्टाफ सिलेक्शन ने भी यही किया दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया। और उसके बाद हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है उसने भी परीक्षाओं की जानकारी दी, मगर अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो परीक्षार्थी पूछ रहे हैं कि भाई कब तक रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, जो जून का महीना है उसमें आपको एक या दो रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक रिज़ल्ट जो है वो आपका लोअर सबऑर्डिनेट यानी कि लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट होगा, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद अगर आपको कोई रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तो वो हो सकता है जूनियर असिस्टेंट का। अभी देखिए, बहुत सारी परीक्षाएँ ऐसी हैं जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। आपको वीडियो का ही पता होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था वो भी पूरा नहीं हो पाया। टाइपिंग भी जो है बीच में रोक दी गई थी कनिष्ठ सहायक की। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये जुलाई के बाद जो है, जुलाई के महीने या जुलाई के बाद से जो है ये स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अभी तक लॉकडाउन की मतलब मनोस्थिति में है कि भाई अभी जो है बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो दोस्तों, अब आप अपने आप को इस मनोस्थिति से बाहर निकालिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जुलाई के बाद जो है सारी परीक्षाएं आयोजित होना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, रही बात कोरोना की, तो हमें उसके साथ ही जीने का तरीका सीखना है। अब आपको जो है एक तरीके से अपनी तरफ से सावधानियां करनी है पूरी तरीके से, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो पीईटी कराने के मन में है, पीईटी के बारे में सोच चुका है। और आपने देखा होगा पहले न्यूज़ भी आई थी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है, और भी बहुत सारी अभी प्रक्रियाएँ बाकी हैं जिसे कि वो ऑफिशियली बाद में अनाउंस करेंगे। तो यदि वो करने वाला है पीईटी के बारे में, तो दोस्तों अभी क्या है, आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में नहीं कह सकते कि कितना लंबा समय उनमें लग जाए। तो ज़रूरी होगा कि यहाँ पर जो है हम जो हमारी पेंडिंग परीक्षा है उस पर ही ज़्यादा फोकस करें, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट और साथ में लोअर पीसीएस। और दोस्तों, यदि आपके इन दोनों में से कोई परीक्षाएँ ख़राब हो गई हैं तो आप यूपीपीएससी से यदि आपकी कोई परीक्षा है, मान लीजिए आरओ 2016 की है या खंड शिक्षा अधिकारी की है, उसमें लग जाइए। क्योंकि दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि जब हम तीन चार परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करने लगते हैं और जहाँ पर सिलेबस में भी डिफरेंट आपको देखने को मिले, तो कोई भी परीक्षा पास नहीं हो पाते हैं। तो बस आप इस समय पर अपना ये मन बना लीजिए कि आप कौन सी परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। चाहे तो वो लोअर पीसीएस हो सकती है अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो सकती है, उसमें सिर्फ अब आपकी टाइपिंग रह गई है। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो सिर्फ आपके और आपके नौकरी के बीच में सिर्फ टाइपिंग है, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। ये आपको डिसाइड करना है। और यदि आपकी ये दोनों परीक्षाएं ख़राब हो चुकी हैं तो आप जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ जो भी परीक्षाएं हैं उस पर कीजिए, क्योंकि अब जो है समय कम मिलने वाला है और आगे आने वाले समय में चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, है ना। क्योंकि अभी तो दोस्तों परीक्षा सेंटरों का ही नहीं पता है, कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं इसमें जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर भरने का ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। और आपको पता है कि अभी जिस हिसाब से लोग डरे हुए हैं, अननेसेसरी तो कोई यात्रा भी नहीं कर रहा है। इसलिए जो भी आपकी पुरानी परीक्षाएँ हैं उन पर फोकस कीजिए, और जो इसकी भर्ती प्रक्रियाएँ हैं वो आपको जुलाई से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही सूचना थी आप लोगों के लिए। और दोस्तों, जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो चल रही है मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे, तो आप उसका भी हिस्सा ज़रूर बने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।